सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब गाइस। VGMI 2.9 के अपडेट के बाद जो मेन तीन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है गेम के अंदर, रेंडर इशू, एनिमी नॉट शोइंग और क्रैश प्रॉब्लम, ये जो तीन चीज है ना, मतलब दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत कर रही है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसका फिक्स कैसे करना है, इसको फिक्स कैसे करना है। देखो, मैं कुछ स्टेप्स लेके आया हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो, मतलब सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बता दूँ, क्रैश प्रॉब्लम को लेकर यहाँ बहुत मैं फिक्स ना कर पाऊँ, लेकिन जो रेंडरिंग इशू और एनिमी नॉट शोइंग है ना, ये चीज़ को मैं फिक्स कर सकता हूँ। जो भी स्टेप्स मैं आगे चल के मैं बताऊँगा, उसको आप जो भी एज इट इज से कॉपी करना। सबसे पहले आपको एक्सेस पॉइंट्स पे जाना है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट्स इन द सेंस कि अगर इसको आपको फिक्स करना है, तीनों प्रॉब्लम को, आपको अपने नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाने के बाद आपको एपीएन सेटिंग्स पे जाना है। एपीएन सेटिंग्स पे जाने के बाद ये IPv4 पे सेलेक्ट करना है आपका एपीएन टैब। एपीएन को IPv4 में करना है और IPv6 में होना है, ठीक है। और ये जो आपका APN सेटिंग्स है, आप एज इट इज आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे किसी की भी वीडियोस देख सकते हो। जितना हो सके उतना मतलब A1 टाइप का APN आपको सेटिंग्स लगानी पड़ेगी। A1 APN सेटिंग्स लगाओगे तो आपकी जो रेंडरिंग इश्यू है, ये बहुत, मतलब बहुत काफ़ी हद तक ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपको नेटवर्क बहुत बढ़िया से मिलने वाला है। अगर आपका नेटवर्क बढ़िया रहेगा तो एनीबी भी आपको स्पॉट होंगे और रेंडर इश्यू जो है वो भी आपका सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो अपने स्क्वाड को भी शेयर कर देना, ताकि यार उनका भी जो इश्यू है ये फिक्स आउट हो सके। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, फर्स्ट जो नंबर था, मतलब जो फर्स्ट टिप था हमारे तरफ से, वो है APN सेटिंग। APN सेटिंग आपको YouTube पे भर भर के मिल जाएंगे। आप जियो का फोन यूज करते हो, VI का या फिर VSNL का, जो भी यूज करते हो, आपको उन VPN को अप्लाई कर लेना। लेकिन ध्यान में रखने जो प्रोटोकॉल है उसको IPv6 and 4 पे सिलेक्टेड होना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 2 में आपको एंड्रॉयड के अंदर आ जाना है, और एंड्रॉयड के अंदर आने के बाद आपको टोटली, ठीक है, अपनी जो गेम है इसको अनइंस्टॉल करके हटा देना है। कैसे हटाओगे, टोटली डिलीट कर देना है। एंड्रॉयड पे जाना है, डेटा पे जाना है और com.imobile पे जाना है। वहां पे जितनी भी डाटा है ना, पूरा हटा देना है आपको, ठीक है। मैक्चर आपका BGMI अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉयड पे जाओ, डेटा पे जाओ और com.imobile पे जाओ, और जितना भी है ना फाइल्स है वहां पे com.imobile का, उसका पूरा का पूरा डिलीट कर दो। ध्यान में रखना, पूरा का पूरा हटा दो। उसको हटाने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, रीइंस्टॉल करना है आपको BGMI, ठीक है। BGMI रीइंस्टॉल करो 32-bit का। 32-bit का जो BGMI कैसे इंस्टॉल करोगे, क्रोम पे जाना है और BGMI 32-bit करके आपको सर्च करनी है। वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से आप इंस्टॉल कर सकते हो। 32-bit का ही आपको करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा बिट का आप मत करें, ठीक है, ओके। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एंड्रॉयड के अंदर जाके डेटा के अंदर iMobile का जो भी डेटा है, ठीक है, उसको सभी को डिलीट कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर टिप की। जो थर्ड नंबर टिप है उसमें देखो, आपको करना क्या है, अगर आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, डिलीट नहीं करनी है अपनी गेम, तो आप एक काम करके ट्राई कर सकते हो, अपनी गेम को लॉग आउट कर लो और रिपेयर के ऑप्शन पे चले जाओ। रिपेयर पे जाने के बाद यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ना, सभी को मार्क करो। जितने भी चीज़ें हैं, रूटीन रिपेयर से लेके जो भी आपकी रिसोर्सेज पैक वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ओके प्रेस कर दो। इससे ये होगा कि आपकी मतलब गेम के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह हैं, ये टोटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद गेम को अगर आप ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली रीइंस्टॉल करेगा। तो कहीं ना कहीं है ना, आपको ये हेल्प करेगा जो है आपका रेंडर इशू या फिर क्रैश प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो यही एक वीडियो थी आप सभी तक पहुंचानी थी, बहुत जरूरी। कुछ स्टेप्स मैंने बताए, इन स्टेप्स को कंप्लीट जरूर से कर लेना, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप 32-bit का जो गेम है, आप क्रोम ब्राउजर पे जाके वहां पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कैसे इंस्टॉल करना, यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आप सभी को चाहिए कि मैं वीडियो बना के दूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ गाइस, आप सभी को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करनी है कि आप है ना वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपकी डिवाइस का मॉडल कौन सा है, जरूर से बताना, 4G या 5G है, ठीक है।
बाकी चीजें रेंडर इज टू एनिमी नॉट शोइंग और क्रैश प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपसे अभी तक बता दिया है। देखो एनिमी नॉट शोइंग और रेंडर इश्यू ज्यादातर ये नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है और बाकी क्रैश प्रॉब्लम अभी 2.9 के अपडेट के बाद भी GMI पे होते रहता है। ठीक है चलो अब बात करते हैं 32-bit आपको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। 32-bit का गेम को इंस्टॉल करने के लिए आप BGMI पे मतलब क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ, BGMI 32-bit APK डाउनलोड करो, कोई भी मतलब सर्च करो, कोई भी आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और हाँ, अगर ये जो भी टिप्स मैंने बताए हैं 3-4 टिप्स, ये अगर आपको काम कर रहा है ठीक है तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं कोई दूसरी टिप ढूंढ के ला सकता हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय।